महापालिका सोलापूर मंडई कार्यालय विभाग यांच्या माध्यमातून निविदा प्रक्रिया काढून ती निविदा प्रक्रिया महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 79 अन्वये आणि मालमत्ता हस्तांतरण नियमास अधीन राहून ओटे निश्चिती तारखेपासून 11 महिन्यांच्या कालावधीकरिता भाड्याने देण्याकामी ऑफलाईन लिलाव प्रक्रिया याचे संकेतस्थळ www.solapurcorporation.gov.in या संकेतस्थळावर दिनांक 20 फेब्रुवारी 2024 रोजी पासून तसेच ऑफलाईन लिलाव प्रक्रिया हे दिनांक 21 फेब्रुवारी 2024 ते 6 मार्च 2024 अखेर सकाळी 11 ते 6 वाजेपर्यंत असा मजकूर असलेली नोटीस वजा जाहिरात प्रक्रिया राबवून दिनांक 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी लक्ष्मीबाई मंडई येथील ओटे लिलाव निश्चित प्रक्रिया राबविण्याकामी मंडई विभागाचे प्रमुख बनसोडे व त्यांचे सहकारी आले असता त्यांनी या मार्केटमध्ये गेल्या 60 वर्षापासून आजतागायत अविरत सर्व कागदो पुराव्यांशी व्यापार करीत असणारे किरकोळ छोटे मोठे व्यापारी यांना विचारात न घेता त्यांची बाजू ऐकून न घेता लिलाव प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्याकामी संपूर्ण इच्छुक व्यापाऱ्यांचे प्रवेश फी व पावत्या न करता काही मोजक्याच ओळखींच्या परिचयांच्या लोकांच्या पावत्या करून त्यांना लिलाव प्रक्रियेत ओटे मंजूर करून देण्यात आले तर सदरील प्रक्रिया ही घटनास्थळावर न पार पाडता लक्ष्मी मंडईच्या दुसऱ्या सेक्शनमध्ये बसून त्या ठिकाणी पार पडली तर सदरील प्रकार व्यापाऱ्यांना समजताच तेथे त्यांनी गर्दी करून होत असलेल्या बेकायदेशीर लिलाव प्रक्रियेस जोरदार विरोध करीत लिलाव प्रक्रिया बंद पाडली परंतु मंडई विभागाचे बनसोडे हे काही राजकीय लोकांच्या प्रभावाखाली त्यांच्या जवळच्याच लोकांना आर्थिक तडजोड करून ज्या लोकांचा कोणताही प्रकारचा हक्क नाहीये अशा लोकांना आर्थिक तडजोडीच्या जोरावर धनदांडग्या लोकांच्या प्रवेश पावत्या आतून करून घेतल्या व त्यांना शासनाच्या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 79 अन्वय व मालमत्ता हस्तांतरण नियमास हरताळ फासून लिलाव प्रक्रिया नाममात्र केल्याचे भासवून पारदर्शक पदाचा आव आणला परंतु सदरची प्रक्रिया ही अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने व याप्रती असलेल्या प्रचलित कायद्यास जाणीवपूर्वक बगल देत स्वतःची मनमानी करण्यात आली असल्याचं महापालिका आयुक्तांना सांगण्यात आलं. मैं खालिद अहमद अब्दुल जब्बार बागबान रानी लक्ष्मीबाई मंडी में एक भाजी विक्रेता हूँ और आज दिनांक 4/3/2024 के दिन हमने माननीय आयुक्त माननीय अतिरिक्त आयुक्त निखिल मोरे साहब के पास गए थे और वहाँ पे हमारी जो तकलीफ और जो हम पे जुल्म और अन्याय रानी लक्ष्मीबाई मंडी के ओटों के निलों के सिलसिले में हुआ है उस तालुक से सविस्तर माहिती और उनको लेखी पत्र दिया है और उसमें हमने तमाम चीज़ों का उल्लेख किया है कि किस तरह ये ओटों का निलाव जगन्नाथ बनसोड़े साहब ने अपने पर्सनल पर्टिकुलर किसी आदमियों के साथ तड़जोड़ करके और कुछ पैसों का घेवान देवान करके बड़े पैमाने पर जो है ना हम पर अन्याय और अत्याचार किया है और बहुत ही भारी पैमाने पर इन्होंने जो है ना यहाँ पे करप्शन किया है जिसकी वजह से हम गरीब लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है और हमारे ओटे जो हम परंपरागत वहाँ पे बैठ कर व्यापार करते हैं वो हमसे छीन गए हैं हम पर बुरी तरह अन्याय हुआ है. इस ताल्लुक से हमने माननीय आयुक्त निखिल मोरे साहब से मुलाकात करके हम सविस्तर पूरा बताकर उनको अर्ज भी दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही जल्द चौकसी करके उसकी कार्रवाई दोषित लोगों पर करेंगे जो कोई हो चाहे जगन्नाथ बनसोड़े हो या कोई उनका सहकारी हो जिस किसी ने भी उन्हें पैसे दिए हैं और जिस किसी ने भी पैसे लिए हैं इसका पूरा सखोल चौकसी करके हमको न्याय मिलेगा ऐसा हमें आश्वासन दिया है. और अगर इस हाल में कि जब अगर कोई कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो हम एक बड़े धरने आंदोलन की तरफ हम उनको जाने का इशारा आज के दिन 4 तारीख को दे देते हैं.